दोस्तों डेली फोकस न्यूज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विपिन सिंह। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह लगभग एक महीने से अपने गांव आरा स्थित आवास पर रह रहे हैं। मुंबई से चले गए हैं कोरोना जब शुरू हुआ इसी बीच में, लेकिन इस बीच जब से वह गांव में रह रहे हैं उनसे मिलने के लिए हजारों की संख्या में अभी तक फैंस आ चुके हैं, लेकिन हर दिन 200-400 हर दिन फैंस मिलने आ रहे हैं। लेकिन आज अजीब हो गया जब एक फैंस मिलने उनसे आया और वह खुद आश्चर्यचकित हो गए। जब वह फैन मिलने आया तो उसने बताया कि मैंने अपना हाथ काट के उनका नाम लिखा है। वह मिले, आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ कि क्या बोले पवन सिंह उससे मिलने आया। उसके बाद क्या बोले, ये लड़का आया मिलने, देखिए दिल्ली से आया हुआ है मिलने। खुद यह फैन दिल्ली से मिलने आया है और पवन सिंह से मिलने आया हुआ है। पहले तो उससे पूछताछ की गई, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतना ज़्यादा भीड़ लग रहा है कि सबसे मिलना मुश्किल है, तो उससे पूछताछ की गई। तो फिर जाके बाद में पता चला कि वो सच बोल रहा है, तो पवन सिंह उसे मिलने आए। आगे देखिए पवन सिंह मिले फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। देखिए वो बोल रहे हैं कि तुम मिलने आए वो ठीक है, लेकिन ये सब तुमको नहीं करना चाहिए। अपना हाथ काट लेना ये कहाँ का, मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, इसलिए उन्होंने समझाया पवन सिंह ने खुद, और उसके साथ फोटो हुआ। फिर देखिए फोटो हुआ और ये फैन को उन्होंने कहा कि ठीक है अपने घर जाइए और इस तरह की हरकत आप लोग नहीं कीजिए। तो बता दें कि जब से पवन सिंह अपने गांव पे रह रहे हैं काफ़ी लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, और इसी बीच में बिहार सरकार और आरा के जो एसपी साहब हैं उन्होंने डिसीजन लिया है कि पवन सिंह के घर के आसपास थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, और इसी बीच में उनसे मिलने के लिए एसपी भी पहुँचे और कुछ पुलिस के अधिकारी वहाँ पे पहुँचे, और इसी बीच पवन सिंह से बातचीत हुई कि उनके घर के आसपास की कुछ सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी के एक सुपरस्टार हैं और बहुत बड़े नाम हैं भोजपुरी के, तो उनसे मिलने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो इस बीच हो सकता है कि कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए थोड़ा तो सिक्योरिटी का मद्देनज़र रखते हुए फोर्स उनके आसपास तैनात किया जा रहा है, जिसके तहत बिहार सरकार और जो आरा के एसपी साहब हैं उन्होंने डिसीजन लिया है। पवन सिंह से बातचीत हुआ, मुलाकात हुआ, मीटिंग हुआ और यह फैसला लिया गया। तो आप देख रहे थे डेली फोकस न्यूज़। पवन सिंह को क्या कमेंट करना चाहेंगे इसके बारे में कमेंट करके बताइए, और आप पवन सिंह के फ़ैन हैं या फिर किसी के भी फ़ैन हैं तो इस तरह की हरकत नहीं करें कि हाथ काट कर किसी का नाम लिख लें। ठीक है, अपनी दिल का बात जाहिर करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की कुछ हरकत शायद नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा है।